मनारा और सना का कहना है कि हमको शो में रहने के लिए लव एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फेक लव एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल लाइव फीड चालू हो चुका है जिग्ना सना और यहाँ पर मनारा के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें जिग्ना ये कहती है कि उनको यूके राइडर पसंद नहीं आ रहे हैं। वो कहती है कि बार बार ये क्या कहता रहता है कि हमारे कट्टर फैन है, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। साथ ही यहाँ पर खानजादी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो फेक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है अभिषेक के साथ। तो यहाँ पर मनारा और सना का कहना है कि हम लोगों को शो में रहने के लिए फेक लव एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, मनारा खुद ही काफी है, ये बात कहती है मनारा। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से खानजादी जो है कहीं ना कहीं देखिए ये चीज पता चल रही है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो बिग बॉस 16 में जिस तरीके से टीना हक करती थी शालीन को और ऐसे कैमरे को देखती थी, तो ये दो बार हो चुकी है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर वो फोटोज भी वायरल होती है कि जब खानजादी जो है ना हक करती है तो स्पेशली कैमरे को इस तरीके से तड़ रही होती है। एक बात और भी ये बोलनी है कि खानजादी तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है जैड के साथ, क्योंकि ऐसा तो कुछ आया नहीं कि इनका ब्रेकअप हो गया है। जब ही बिग बॉस OTT सीजन 2 खत्म हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जैड और आकांक्षा का किसिंग वो हुआ था ना, उसके बाद यहाँ पर मीडिया में खुद यहाँ पर खानजादी ने बोला था आकांक्षा दूर रहना जैड से। तो अगर अभी तक के जैड के साथ वो रिलेशनशिप में है तो इट मीन्स ये सारी चीजें फेक है, जो कि पता भी चल रही है। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताना। थैंक यू।